हाय एवरीवन, वंस अगेन सुचिता हियर। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज आपने टाइटल देखा है, ये उन लोगों के लिए है जो वैष्णो माता माता रानी के दर्शन करना चाहता है। जम्मू में ये बहुत फेमस है, मैं एक वीडियो पहले बना चुकी थी। आज मैं आपके लिए वो वीडियो बना रही हूँ माता रानी के, जो हम दर्शन के लिए गए थे मेरे पेरेंट्स के साथ, मैं उनको लेके गई थी। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमने ये 3 दिन में प्लान बनाया था और 3 दिन में हमको जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, हम कटरा भी गए, हम वहाँ पर रहे भी। ये सब कैसे हुआ वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि एटलीस्ट 1 महीने पहले, जस्ट 1 मंथ बिफोर आप ये कीजिए। और जिसके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं वो तो प्लीज़ ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं, जैसे मेरे थे एंड मेरे जो रिश्तेदार हैं, वो बहुत लोग हैं जो माता के दर्शन करना चाहते हैं लेकिन उनको पूरी बात पता नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मैं अभी आपको थोड़ा सा बताऊँगी कैसे, और उसके बाद आप आई विल कंटिन्यू विद द वीडियो। मैं पूरा वीडियो आपको दिखाऊँगी, उस वीडियो में मैं बोल रही हूँ कि हम कहाँ कहाँ गए हैं। तो आई होप यू गोना एंजॉय द वीडियो। चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ, हम जम्मू से कटरा तक गए थे, ये हमारा एक ही दिन का प्लान था, लेकिन हमने हेलीपैड ऑलरेडी कर लिया था। अब अगर आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, अगर आप हेलीपैड ऑनलाइन कर लेते हैं या फिर आपकी किसी पहचान वीआईपी पास की वजह से आपका हेलीपैड हो जाता है, हेलीपैड मतलब हेलीकॉप्टर, यहाँ पे लोग उसको हेलीकॉप्टर नहीं बोलते हैं, यहाँ पे लोग उसको हेलीपैड बोलते हैं। नाउ हेलीपैड इज़ द प्लेस जहाँ पे आपका जो हेलीकॉप्टर होता है वो वहाँ पे लैंड होता है, दैट इज़ कॉल्ड द हेलीपैड। जैसे कि एयरक्राफ्ट में रैंप होता है, यहाँ पे हेलीपैड होता है, लेकिन ये लोग हेलीकॉप्टर को भी हेलीपैड ही कहते हैं। तो अगर मैं कहीं पर पूरे वीडियो में हेलीपैड बोल रही हूँ तो उसका मतलब होता है हेलीकॉप्टर, ठीक है? तो चलिए, तो लेट्स मूव ऑन। हेलीकॉप्टर आपको यहाँ से मिलेगा, आपको काउंटर पे ही पे करना है, वहीं पे आपका वेटिंग होगा। जब आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे भवन हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो वैष्णो भवन है, जो वहाँ पे गौरी भवन है, ये सारे भवन ऊपर हैं। आई मीन इट्स लाइक दिस, द सीढ़ी बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग है। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर किसी को घुटनों में दर्द है, बैक पेन इशू है या कुछ और इशू है, हेल्थ इशू, तो प्लीज़ आई विल एडवाइज़ यू नॉट टू टेक दैट वन। आप नीचे जो मनोकामना भवन है और वहाँ पे दूसरे होटल्स भी हैं जस्ट दरबार के पास, आप जब बुकिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर योर बुकिंग नियर दी दरबार। चलिए ये बात तो हो गई बुकिंग की। तो जब आप वहाँ से उतरेंगे, वो भी मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, वहाँ से उतर के आप सीधे हेलीपैड से, नाउ दिस इज़ द हेलीपैड दैट एरिया, वहाँ से आप उतर के सीधे जब नीचे जाएंगे तो वहाँ से जो आपका भवन है, दरबार है, दैट इज़ क्लोज टू 4 किलोमीटर्स। डेफिनेटली आपको, अगर आप नहीं चल सकते हैं, आप पैदल चलना चाहते हैं, सी आई विल नॉट इंसिस्ट ऑन दैट, जिसको पैदल चलना है, जिसकी मन्नत है, प्लीज़ गो अहेड। लेकिन ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो नहीं चल सकते, जो पालकी में जाना चाहते हैं, तो आई विल एडवाइज़ यू टू टेक पालकी, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या हमारे जो रिश्तेदार हैं जिनकी एज हो चुकी है, वो लोग घोड़े में, इट्स नॉट सेफ, बेटर है कि आप लोग पालकी लें। और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, पालकी वालों के जो पैसे होते हैं, वहाँ काउंटर, एक टिकटिंग काउंटर होता है, तो आप उन्हीं से टिकट लेंगे तो उनका जो चार्ज होता है वो 1500 प्लस होता है और 1300 प्लस भी होता है, उसमें से कुछ पैसे काट के वो पालकी वालों को देते हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, जब आप पालकी लेते हैं तो पालकी वाले को आपको कुछ देना चाहिए, 500 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये, अपनी श्रद्धा के अनुसार उनको पे कीजिए, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है कि वो हमारी यात्रा करवा रहे हैं। यही हमने किया था, हम चारों पालकी में गए थे, मैं, मेरे मम्मी पापा और बुआ, और हमने उनको 500-500 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है, कोई आपको दर्शन करा रहा है और माता रानी आपकी मदद करती है। आई डोंट नो, इट्स लाइक अ मिरेकल इन वैष्णो देवी, जब आप जाते हैं तो सारी चीज़ें आपकी स्मूथ होने लग जाती है। बस हमको एक गेस्ट रूम था जो हमको ऊपर मिला था, बट दैट वॉज एट द लास्ट मोमेंट, सो वी वर वेरी लकी कि हमें सोने के लिए छत थी हमारे पास बाथरूम था, हमारे पास खाना खाने के लिए थे, हम वहाँ पे खाने के लिए, बाय द वे आपके रूम सर्विस नहीं है, आपको वहाँ रेस्टोरेंट में जाना है, एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू वॉक ऑल्सो, जैसा कि मैंने कहा इट विल डिपेंड ऑन योर कंडीशन, लेकिन हाँ आप पालकी ले सकते हैं। चलिए ये बात तो मैंने आपको होटल की और वहाँ की बात कर दी। अब दरबार में एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग जानते नहीं है, जब आप माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ 2 टाइम्स की आरती होती है, जो एक सुबह होती है 6:30 to 8:00, शाम को भी यही टाइमिंग है। उसके टिकट्स आपको एडवांस पे लेने पड़ते हैं, जो आपको काउंटर नंबर फाइव रूम नंबर 5 पे आपको आरती के 2000 के टिकट मिलेंगे पर हेड। तो उस आरती में क्या होता है कि आपको वहाँ भेजा जाता है, आरती में माता रानी की जहाँ आरती होती है शाम को या सुबह, वहाँ आप 2 घंटा बैठते हैं और वहीं से आपके दर्शन के लिए भी वीआईपी, वो वीआईपी में ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो वो दर्शन के लिए भी चले जाते हैं वहाँ से। जो प्रसाद का वो बैग आपको देते हैं चुन्नी के साथ, दैट यू आर सपोज टू लीव इन योर रूम, वो आपको लेके नहीं जाना है। आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं दोबारा आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन आरती में आप ऑलरेडी पे सब कुछ कर देते हैं, तो वो भी ये पूरी आपकी श्रद्धा है आपको जो करना है। तो आरती की टिकट्स आप ले सकते हैं, लेकिन आपको 2 घंटा वहाँ बैठना पड़ेगा। चलिए ये तो हो गई आरती। हाँ, रूम में कुछ भी नहीं मिलेगा, नो सैनिटाइजर, नो सोप, ओनली द ब्लैंकेट्स एंड द टॉवल्स यू विल हैव, नॉट इवन द कैटल, आपको कैटल भी नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर
अगर कोई गर्म पानी पीता है या किसी को कोई दवाई लेनी है या समथिंग लाइक दैट, और मे बी यू एडिक्टेड टू टी और समथिंग लाइक दैट, जस्ट कैरी अ स्मॉल स्मॉल टी बैग्स अलॉन्ग विद यू एंड अ स्मॉल कैटल आप अपने साथ कर सकते हैं. हैंड सोप या सोप तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा, वहाँ ये फैसिलिटी नहीं है रूम में. हाँ, अगर आप शॉप में जाएंगे तो वहाँ भी आपको मुश्किल से ही मिलेगा, बिकॉज यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग लाइक दैट. खाने का मैंने कहा कोई भी दिक्कत नहीं है. अभी जो कटरा, जब आप इसके लिए आरती की बात मैंने कर ली, प्रसाद की बात मैंने आपसे कर ली, अब आप जब वहाँ कटरा, वहाँ से बिल्कुल ईजी है, अब आएंगे हम रोप वे पे. अब आप बोलेंगे रोप वे क्या है, रोप वे है द ट्रॉली. सी, मान्यता क्या है कि पहले आप माता के दर्शन करते हैं, उसके बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करते हैं. जब आप भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, इट इज़ हार्डली, लोग आपसे कहेंगे कुछ भी नहीं है. मैंने जैसा कि कहा, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है. मे बी यू आर टायर्ड, मे बी यू आर नॉट वेल, मे बी योर बीपी इज़ लो. तो हमने जो किया था, सी, जो बैटरी कार है, बैटरी कार वहीं से, भैरव बाबा का जो एरिया है उसके आगे है दरबार, तो वहीं पे जो सेंटर पॉइंट है जहाँ से आप रोप वे के लिए टिकट लेते हैं, दैट इज़ फॉर 100 रुपीज़. अब आप अगर किसी को लाइन पे लगाएंगे कि हमारा टिकट ले लीजिए हम आते हैं, तो डोंट डू दैट, क्योंकि एक बार आप टिकट लेते हो तो यू विल नॉट कम बैक, यू नीड टू क्रॉस दैट एरिया एंड आप फिर वो आपको रोप वे में लेके जाएंगे और वापस आके वापस दर्शन करके आप वहीं पर आ जाएंगे. रोप वे का ये है, 8 बजे मॉर्निंग में खुलता है, शाम को 6 o'clock, 5:30 इज़ द लास्ट, 5:30 टू 6 o'clock के बाद आपको कोई टिकट नहीं है, दैट इज़ द लास्ट. अंधेरे से पहले पहले वो रोप वे का जो टूर होता है वो ख़त्म कर देते हैं. तो हमने क्या किया था, अर्ली मॉर्निंग वी स्टेड देयर, हमने शाम की आरती करी. मैं आपको इससे बताती हूँ तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे. शाम की आरती करी हमने, हम रूम में वापस आए, हम सोए, हम जब सुबह उठे तो हमें नहीं मिल रहा था रोप वे का टिकट, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वर नॉट इन दैट कंडीशन दैट दे गो फ्रॉम देयर, यू नो इट वॉज लाइक लिटिल 50-60 meters होगा, लेकिन वो ऊपर से नीचे आना एंड देन अगेन गो बैक टू द रूम, इट वाज हैसल. और हमें उसी के बाद सीधे हेलीकॉप्टर लेना था, हमें हेलीपैड में जाना था. हेलीपैड इज आफ्टर भैरव, जो भैरव कड़ी है जहाँ पे हम भैरव के दर्शन करते हैं उसके बाद है. तो हमने सोचा कि जब हम एक बार दर्शन कर लेंगे तो हम नीचे क्यों आएंगे, हम सीधे ऊपर चले जाएंगे. लेकिन मुझे लगा कि जितना हम हेलीकॉप्टर का वेट करेंगे उससे अच्छा है कि हम बैटरी कार लेके अर्धकुंवारी तक जाते हैं और अर्धकुंवारी से पालकी से हम लोग कटरा चले जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बैटरी कार वालों के टिकट्स मिल रहे थे, वो प्री बुकिंग है. मैं वैष्णो देवी की जो वेबसाइट है वो इसमें डाल दूंगी. तो जो प्री बुकिंग थी वहाँ पे वही लोगों को मिल रहा था. सीनियर सिटीज़न को वो ऑन द स्पॉट दे रहे थे टिकट, लेकिन दैट वॉज ओनली फॉर सीनियर सिटीज़न, हमारे लिए नहीं था, मतलब मेरे लिए और जो मेरे साथ जो स्टाफ था उनके लिए नहीं था. तो अभी यू हैव डिसाइडेड कि हम क्या करते हैं, पालकी लेते हैं विच इज़ फॉर 1500, और वो पालकी लेके हम पहले भैरव बाबा के दर्शन करेंगे और वहीं से हम लोग हेलीपैड के लिए चले जाएंगे. दैट वॉज द करेक्ट डिसीजन. वी हैव बुक, मतलब जो हमारे साथ थे उन्होंने फटाफट से पालकी बुक करी. जैसे ही हम गेस्ट रूम से नीचे आए, वी टुक द पालकी, वी वेंट टू फॉर द दर्शन. भैरव के दर्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, इट्स लाइक हार्डली 5 मिनट्स, नॉट इवन 5 मिनट्स. हमने फटाफट दर्शन करे, चाहे VIP हो चाहे नॉर्मल हो, इट्स ऑल सेम. हाँ, लेकिन थोड़ा मिल जाता है आप लोगों को बीच में से जाने के लिए. तो आप, हमने वो दर्शन किए थे, और जब वो हमने दर्शन किए उसके बाद हम सीधे हेलीपैड एरिया में गए. वहाँ हमने हार्डली 5 to 7 minutes वेट किया होगा. वहीं ऑन द स्पॉट वो लोग आपको टिकट देते हैं, अगर आपका VIP वाला है तब भी देते हैं. इफ़ दे हैव द प्लेस इन द हेलीकॉप्टर देन ऑल्सो दे विल गिव यू द टिकट्स ओवर देयर. टिकट जो है वो 1800 का वन साइड का है, ठीक है. उसमें आपके वेट चेक करते हैं, वो आपका बॉडी वेट चेक करते हैं. अगर आप उनको लगता है कि ज़्यादा वेट वाले हैं तो वो हेलीकॉप्टर में सिर्फ 2 या 3 ही बिठाएंगे, ज़्यादा नहीं बिठाएंगे. और ये वाला हेलीकॉप्टर 4 सीटिंग नहीं, 6 सीटिंग का है, 6 सीटिंग का है. इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं प्लस 1 द पायलट. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और जैसा कि मैंने कहा कि आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे जो ओल्ड होंगे, सीनियर होंगे आपके घर पे, उनको माता के दर्शन करने होंगे. भीड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा, इट्स टू मच रश. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब दर्शन, मैंने कहा ना वहाँ कुछ तो है, मिरेकल है, आप जाते हो और दर्शन करके आ जाते हो आशीर्वाद लेके. सो एंजॉय माय वीडियो एंड आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है. घोड़े के चार्ज 250 होगा वहाँ घोड़े का, यस 250 वॉज फॉर हॉर्स. एंड पालकी का तो मैंने आपको बताया, जो भी है आपको वहाँ पे काउंटर में जाके पर्ची कटती है और आप उनका आई डी कार्ड का फोटो ले लेते हो, ठीक है. और बाकी बस हमारी ट्रिप तो बहुत अच्छी थी. जय माता दी, माता रानी ने हमारी ट्रिप बहुत अच्छी करवाई. मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, मेरी बुआ बहुत खुश हैं, एंड आई होप आप लोगों के भी दर्शन ऐसे ही हो, माता रानी आपको बुलाए. हमारे तो अचानक प्रोग्राम बना था 3 दिन पहले, लेकिन जिन लोगों ने प्लान किया हुआ है
वो लोग भी जा सकते हैं, और आप वाई नॉट टू ट्राई, अगर आपका मन है, आपके पेरेंट्स का मन है तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है। थोड़ी सी ठंड हो जाती है तो आपको एक शॉल स्वेटर चाहिए, बच्चों के लिए तो कैप भी चाहिए छोटा सा। तो बस ऐसे ही ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने कहा माता रानी के दर्शन में जाके तो मिरेकल ही मिरेकल है ना। तो चलिए इन्जॉय माई वीडियो, आई थिंक आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग इनफ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बिकॉज इसमें डिटेल दिया है मैंने सारा, आई ट्राई टू जस्ट मिनिमाइज, में छोटा करने की कोशिश करूँगी। आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव, आपने जो मुझे प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, चाओ चाओ। वेलकम बैक टू माई चैनल सुचिता हियर वंस अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम यहाँ पे वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और आज मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों के लिए वो ब्लॉग बनाया जाए, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। ये ऊपर का रास्ता है जहाँ से हम जाएंगे, बोर्डिंग गेट है। हम लोग यहाँ कटरा तक आए हैं, कटरा से जम्मू से कटरा लगा है हमें 1 घंटा 1 hour 5 minutes एंड नाउ वी आर हेयर। एवरीबडी इज़ वेटिंग, वेदर इज़ फाइन। मास्क ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मैं भी आप लोगों को हेलीपैड दिखाऊंगी, हम हेलीपैड के पास हैं एक्चुअली। बस सेंटर काउंटर अभी जो सामान जाएगा उसका वेट किया जाता है। दिस इज हियर, दिस इज हियर। फीस का है यहाँ पे वेट चेक हुआ है, दे विल मेजर द वेट एंड नोट इट डाउन। आपके बैग्स में टैग्स भी लगने हैं। दिस इज़ द हिमालय हिल सर्विस, ये अपना दिया हुआ है, देखिए मेरे पीछे दिखाती हूँ। ऑनलाइन जो बुकिंग है उन लोगों का है, पेमेंट आपको यहीं करना होगा। ये ऊपर जाते हैं यहाँ से, अभी यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं जम्मू में। मेक श्योर कि आपका पोस्ट पेड हो, क्योंकि यहाँ प्रीपेड फ़ोन, प्रीपेड जो होते हैं वो फ़ोन नहीं चलते हैं। तो अगर आपको घर पे बात करनी है, कांटेक्ट करना है, तो मेक श्योर इट इज़ पोस्ट पेड। अपने फ़ोन को पोस्ट पेड करके आइए। यहाँ पे देख रहे हैं हेलीकॉप्टर आ रहा है, इफ़ यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी, ये देखो ये आ रहा है हेलीकॉप्टर। हेलीपैड आरती में अगर आपको बैठना है तो आपको उसके लिए पास लेने पड़ेंगे, जो आपको गेट नंबर 5 में मिलेंगे वहाँ पे। तो आप किसी को भेज सकते हैं और गेट नंबर 5 से आप लोग आरती की टिकट ले सकते हैं, एंड दैट इज़ आई थिंक 2000 पर पर्सन। और शाम की आरती, मॉर्निंग आरती में बहुत भीड़ रहती है, लेकिन हमें भैरव बाबा के यहाँ जाना है। तो सारी डिटेल में आप लोग दर्शन के टिकट ले सकते हैं, वो अलग काउंटर पे मिलेगा। हो सके तो यू सेंड समबडी इन प्रायर एंड गेट द टिकट्स। सो वी आर मूविंग टू हेलीपैड नाउ, गाड़ी आ गई है एंड वी आर गोना गो। जल्दी आ जाओ, हम जल्दी जा रहे हैं। हुआ गाड़ी, गाड़ी तो ये गाड़ी है, ये हमको लेके जाएगी हेलीपैड तक। मैं दिखा देती हूँ, ये वाली गाड़ी है। यहाँ ऊपर जाने के लिए हेलीपैड, ये है हेलीपैड एरिया, अलाउड नहीं है फोटोग्राफी। ये बेटर है।
नंबर क्या, छः नंबर क्या चल रहा है? 43 चल रहा है। आ गया ना, चलो छोटी डर से करें उड़ जाती है चुनी। हाय बुआ, बुआ हेलो 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 पापा, जय माता दी माँ, जय माता दी बुआ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी पापा, जय माता दी। हाय बेबी, पहनने के लिए दे रही हूँ, वी हैव टू वेयर दिस काइंड ऑफ। पहनने के लिए देंगे। हाँ जी, मेरी मम्मी पापा, जय माता दी। बुआ प्रोटेक्शन ना, सोशल कोविड की वजह से एक को पहना रहे हैं, एक को नहीं पहना रहे हैं। कुछ नहीं, हाथ डाल के पहन लो, ये तुम हाथ डालो। नहीं मैं पहन रही हूँ, मैं पहन रही हूँ, बस हो गया, हाथ डालो। मैं मेरे पापा सेम सेम पैदल जा रहे हैं, पैदल का रास्ता है ना पूरा। आप लेने देखो, केबल कार का रास्ता है जो भैरव बाबा के लिए जा रहा है। ये देखिए, दिस इज द केबल कार, वो जाती हुई दिख रही है, दिखाती हूँ मैं आपको, और भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाता है। आ रही है एसी, हाँ एक मिनट, ये ट्रॉली जा रही है, ये ट्रॉली जाती है भैरव बाबा के लिए। अभी ये सारी फैसिलिटी हो गई है यहाँ पे, यहाँ भवन में रुके हुए हैं हम। वैष्णो देवी की हालत देखो, बस हम लोग बहुत लकी हैं कि हमको मिल गया रुकने के लिए। और ये देखिए, यहाँ देखिए यहाँ से कितना सुंदर, आहा देखिए, मतलब आप देखिए कितना अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके, माता का मंदिर कहाँ है। ये देखिए वैष्णो माता का मंदिर, देखिए बिल्कुल भवन के पास है हम, यहाँ से हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। हो गए दर्शन तुम्हारा, जय माता दी, दर्शन हो चुके हैं। रात के 9 बज चुके, 10 बज चुके हैं, हम रूम की तरफ जा रहे हैं। डंडी डंडी वाली माई, डंडी वाली माई बोलेगी, चलो ये है पालकी राइड, हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं अभी।
भैरव बाबा का नीचे दरबार से लेके ऊपर तक है 2 किलोमीटर। रोप वे में बहुत ज़्यादा भीड़ है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट एक्साइटेड। और वहीं से हम लोग हेलीपैड के लिए विल बी ऑफ। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, पालकी वाले हैं, जितना दाने पुण्य करना है उससे अच्छा है कि इन लोगों को दे दो, बिकॉज ये लोग मेहनत करते हैं और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। आप देख रहे हैं ये लोग 4-4 लोग हैं, ये 2 राउंड मारते हैं पालकी के। और मैं इनसे पूछूंगी कि इसके अलावा आप कुछ नहीं करते भैया, पालकी का ही करते हो बस? हाँ, पालकी का ऊपर ले जाना इधर, ये राय यात्रा बस। ये हैंडल पकड़ के रखना। अच्छा, ये कौन सा रास्ता है? हैंडल पकड़ नीचे से। हाँ, इस रास्ते से। वे कब से कर रहे हो आप पालकी का? 15-15 साल हो गए। 15 साल? हाँ। आपको बिजनेस है इसमें? दाढ़ी बनती है। अच्छा, और हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इशू? हेल्थ कुछ नहीं, बैक पेन वगैरह कुछ नहीं? नहीं। नहीं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना, दर्शन करवा रहे हो और क्या, वही तो। नहीं, मैंने कहा आप लोग दर्शन करवा रहे हो। चले उतना अब बाकी नहीं। भैया ये जो नीचे मनोकामना का है, कोरोना में क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बिजनेस नहीं, सारी कुछ बंद था, बहुत मुश्किल हुआ। 2 साल? हाँ। अच्छा, तो मैंने बोला भाई वो बहुत वेट उठाते हैं। हाँ। माता रानी की शक्ति से ही हो आप यहाँ। तो मैं ये बताना चाहती थी लोगों को ना थोड़ा सा, कि भाई अगर पालकी ले रहे हो तो उनको दो और यूज करो, मतलब इस्तेमाल करो। अगर मन्नत था तो बात अलग है, नहीं तो करो। ये क्या पॉइंट है? ये है शांति सर। शांति सर, अच्छा, शांति सर। चली बैठ कर रास्ता ये रहा, ये पुराना रास्ता है ना। आ गए सब? ये आ गए हम अब यहाँ से, ये हम लोग जम्मू वापस जा रहे हैं। दिस इज वे टू वे अदकुआरी। ये देखिए अदकुआरी का है, आई थिंक दिखेगा नहीं, मैं बैक है। देखिए वे टू अदकुआरी है, ये पूरा व्यू है यहाँ से, हेलीपैड का रास्ता दिखता है ये। यहाँ से हम जा रहे हैं अभी हेलीपैड के लिए। आप भैरव बाबा से आएंगे हेलीपैड के लिए, वहाँ आए, वो देखिए ऊपर हेलीपैड है पूरा। कैन सी द चॉपर्स, सुचिता, सतेश्वरी। आपका क्या नाम है? नहीं, मेरा तो कपिल है। आपका नहीं? हाँ, तो बैग देने आ भाई, चलो बैग दे दो। चुनिया क्रॉस भी टाइट करो, ये उड़ जाएंगे। चुनिया क्रॉस, ये क्रॉस है पूरा। रखो मैडम जी बैग अपने नीचे, किट पहनो। तो हम लोग वापिस आ चुके हैं यहाँ से हेलीपैड से, वी आर इन जम्मू नाउ। यात्रा हो गई है, बहुत अच्छी सी यात्रा हुई है रमा। हाँ, बढ़िया सी, मजा आ गया। मैं हूँ बहुत अच्छी सी यात्रा हुई है, सफल हो गई। आइए नारियल ऑरेंज, नारियल पिया जा रहा है दर्शन के बाद।